नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में 86 साल की उम्र में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार थे और एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। उत्तरपाड़ा के आवास में अकेले रहते थे। पिछले 52 दिनों से कोलकाता के अस्पताल में भर्ती थे। उनके खाली फ्लैट को अस्पताल में बिस्तर की तरह सुविधा कराई गई थी। साल 1962 में एशियाई खेलों में भारत की स्वर्ण विजेता टीम के महत्वपूर्ण सदस्य बलराम थे। खेल प्रेमी और उत्तरपाड़ा के उनके मोहल्ले के उनके प्रशंसक निधन से दुखी हैं। पड़ोसन स्मिता सरकार ने कहा कि हमें लगा है कि वह वापस आ सकते हैं, लेकिन वह इस तरह चले जाएंगे हमने नहीं सोचा था। वह इस घर और हमें बहुत प्यार करते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था। वे हमारे अभिभावक थे। यह नुकसान कभी पूरा नहीं होगा। उत्तरपाड़ा के नगरपालिका चेयरमैन दिलीप यादव ने कहा, वे हमारे प्रदेश और देश की शान थे। वह लंबे समय से पीड़ित थे। वह नगरपालिका के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते थे। हम उनके निधन से बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। हमने पहले भी उचित सम्मान दिया है और भविष्य में भी देंगे। पूर्व फुटबॉलर समीरन बैनर्जी ने कहा, जब से मैं उत्तरपाड़ा आया था तब से मैं उनका सहारा था। देखिए हुगली से भरत कुमार झा की ये खास रिपोर्ट।